नमस्कार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को कौन से फ्रूट्स खा सकता है, कौन से फ्रूट्स नहीं खा सकता और फ्रूट्स कितनी अमाउंट में खा सकता है और फ्रूट्स खाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस सब को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट साईं संजीवनी में आता है तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं और एक डाउट होता है कि कौन सा फ्रूट खा सकता है और कौन सा फ्रूट नहीं खा सकता। तो शुरुआत करते हैं फ्रूट को समझने की, कौन से फ्रूट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है और कौन सा हार्मफुल होता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोटेशियम। पोटेशियम नॉर्मली नहीं बढ़ता, मगर अगर इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाए तो ये बढ़ता हुआ पोटेशियम किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर हार्ट अटैक लेकर आ सकता है और इसी हार्ट अटैक की वजह से कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। तो पोटेशियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब भी हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है या नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, जितने भी हाई पोटेशियम फ्रूट्स हैं उनको निकाल लो और वो बहुत लिमिटेड से हैं, जैसे बनाना, कीवी, एवोकाडो, स्टार फ्रूट्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर, ये हाई पोटेशियम है। इनको अगर आप निकाल देते हो तो बाकी सारे के सारे फ्रूट्स आपके लो इन पोटेशियम माने जाते हैं। मगर इनके साथ एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है, हमारी बॉडी में सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया नहीं बढ़ रहा है। जब हमारी किडनी फेल हो रही है तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है और उनमें से सिर्फ दो है, क्रिएटिनिन और यूरिया। इनमें से एक और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो है एसिड। हमारी हर एक सेल जब खाना खाता है तो थोड़ा थोड़ा एसिड रिलीज करता है, किडनी नॉर्मल फंक्शन के अंदर उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है, मगर जब किडनी काम नहीं कर रही है तो ये एसिड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड एसिडिक होता जा रहा है। जितना ब्लड एसिडिक होगा उतना ज़्यादा डैमेज करेगा आपकी किडनी को और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकने के लिए बॉडी में इनिशिएट ना हो, ज़्यादा प्रमोट ना हो, जितने भी खट्टे फल सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनको भी अवॉइड करवाया जाता है, संतरा, मौसम्बी, कीनू, आम, अंगूर, क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम दो तरह के फ्रूट्स को छोड़ेंगे, एक तो खट्टे फल जितने होते हैं उनको छोड़ेंगे और दूसरा जो हाई पोटेशियम फ्रूट्स मैंने आपको बताए उनको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स बच जाते हैं वो सारे के सारे किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, चाहे वो एप्पल है, पियर है, चाहे पपाया है, पाइनएप्पल है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, कस्टर्ड एप्पल है, ये सारे के सारे एक किडनी फेलियर के पेशेंट ले सकता है। मगर एक छोटा सा ध्यान हमें और रखना होता है इसकी अमाउंट का, कि कितनी अमाउंट के अंदर हम फ्रूट्स का इनटेक कर रहे हैं। तो हम साईं संजीवनी में जितने भी पेशेंट आते हैं उनको बताते हैं कि आपने 1 कप ऑफ फ्रूट्स लेना है, चाहे आप 1 कप पपीता ले लो, 1 कप चीकू ले लो या 1 एप्पल ले लो, जो क्वांटिटी रहेगी वो अप्रोक्सीमेट रहेगी 1 कप के आसपास। अगर आप सैलेड खाना पसंद करते हैं, गाजर मूली खाना पसंद करते हैं, तो वो भी आपके फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर काउंट होगा और उसकी क्वांटिटी भी रहेगी 1 कप। अब पेशेंट कहता है मेरा तो सलाद खाने का भी मन है, फ्रूट्स खाने का भी मन है, तो उसका तरीका क्या होता है, अब आप लो 1/2 कप गाजर मूली के जो आप सैलेड खाना चाहते हो आप वो ले लो और 1/2 कप लो फ्रूट्स जो आप खाना चाहते हो वो ले लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट क्वांटिटी अगर हम एक ही फ्रूट्स की बार बार खाते रहते हैं, मानो किसी फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है और हम बार बार इनटेक करते रहते हैं, दिन में बहुत सारा खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बॉडी के अंदर जाकर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से पोटेशियम की लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जो आपकी क्वांटिटी है वो 1 कप है, आप इसे एक्सीड ले जा सकते हैं 1.5 कप तक, इससे ज़्यादा इसे क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिएगा। इससे ज़्यादा ये होगा कि आपकी बॉडी में फ्रूट्स भी जाते रहेंगे, उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वो भी बॉडी को मिलते रहेंगे और आपकी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा है वो भी एक्सीड नहीं करेगी। अब कुछ लोग जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर सलाद के ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा मसाला लेना पसंद करते हैं, तो इसमें ये एडवाइस किया जाता है जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, किसी भी फ्रूट्स के ऊपर, किसी भी सैलेड के ऊपर एडिड सॉल्ट नहीं लेंगे, नमक नहीं डालेंगे, किसी भी टाइप का कोई भी मसाला का यूज़
नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जाएगा, इसकी वजह से आपकी बीपी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, जिससे आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है और लाइफ में थोड़ी और कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, फ्रूट्स का ध्यान रखना है, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं कौन से नहीं खा सकते, इन दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, और उनके अंदर पोटेशियम का और उनके अंदर सिट्रस नेचर का। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।